छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमें मिल रही है। वहां पर राज्य के कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल की गाड़ी ने दो लोगों को रौंद डाला है, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई है जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और पुलिस ने इस मामले में कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस समय मंत्री जयसिंह अग्रवाल कार में मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक मंत्री जयसिंह का ड्राइवर गाड़ी को रायपुर से पाटन ले गया था और पाटन में तर्रा गांव के पास ड्राइवर से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार दो स्थानीय युवकों को रौंद दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में मंत्री जयसिंह की कार ने दो शख्स को रौंद डाला है, एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। कार में उस वक्त मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौजूद नहीं थे जब ये दुर्घटना घटी।